इसमें जो हमारी जज्जर पुलिस की सारी टीम है, उसके परिश्रम से, उसकी मेहनत से अपराधों में कमी भी आई और कई जो केस है हमने वर्कआउट भी किए और कई क्षेत्रों में हमारी काफ़ी अच्छी उपलब्धियां रही हैं। तो अगर आप देखें तो मेजर क्राइम की अगर मैं बात करूं तो जो ग्रीवियस हर्ट होता है, बड़ी जो चोट है, उसमें 9% की जो है कमी आई है। इसमें सिंपल हर्ट जो है उसमें 20% कमी आई है और किडनैपिंग के अगर वो थे वो भी 20-21% जो है कम हुए हैं पिछले साल से। जो महिला विरुद्ध अपराध है तो वो भी 20% कम हुआ है। जो विभिन्न उसके अलग अलग हेड होते हैं, मैं स्पेसिफिकली उन पर नहीं जाऊँगा। अगर हम गाड़ियों की चोरी की बात करें तो वो भी 17% जो है पिछली बार से कम हुई हैं। अन्य जो चोरियां हैं वो भी 13% के आसपास कमी आई है उसमें। जो स्नैचिंग की वारदातें थी उसमें 41% कमी है। जो घर में जो चोरियां होती थी वो भी 14% कम है उससे पिछले वर्ष के कंपैरिजन में। लूट की घटनाओं में 25% कमी आई है। डकैती में काफ़ी सिग्निफिकेंट हमारा अचीवमेंट रहा है कि 84% के आसपास कम हुआ है वो। दो ऐसी घटनाएं पिछले पूरे वर्ष में हुई, तो ये था। और अन्य अपराध भी हम जो देखें तो उसमें हमारा काफ़ी अच्छा अचीवमेंट रहा है। और जो आर्म्स एक्ट की अगर बात करें तो उसमें भी पिछले साल से बहुत ज़्यादा जो है पर्चे दर्ज हुए हैं हमारे। अगर हम गुमशुदगी की बात करें तो टोटल जो पिछली बार है हमने लगभग 400 के आसपास लोगों को ढूंढा और कई उसमें जो थे बच्चे थे, उसमें जो नाबालिग थे। तो ये एक हमारा सिग्निफिकेंट उसमें अचीवमेंट रहा है। NDPS जो है उसमें भी हम पिछले साल के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट रहा। कमर्शियल रिकवरीज लगभग 13 हुई हैं हमारी बॉडी, जो पिछले साल से ज़्यादा है। और 5 हमने फिट NDPS यानी कि जिनके बेल जो है वो कैंसिल होती है कोर्ट से, तो ऐसे केस भी हमने भेजे हैं हायर अथॉरिटीज़ को, तो वो भी रहा है। आर्म्स एक्ट में भी हमने जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है और जो आगे भी हमारा जो अभियान है वो जारी रहेगा। और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स भी हमने 22 के आसपास जो हैं पकड़े हैं उनमें, और जो अन्य बचे हैं उन पर भी शीघ्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर मैं विभिन्न हेड्स की बात करूँ तो जो इस साल की हमारी प्रायोरिटी है 2024 में, तो एक तो मैंने बोला है कि जो भी पिछले 30 साल में मर्डर या कोई वारदात हुई थी तो उनके अपराधियों को पकड़ना है, तो वो फाइलें हम फिर से खोल रहे हैं। और अभी आपको मालूम होगा कि हमने 1 जनवरी के बाद ही 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है उसमें, एक मुकदमे में जो 1998 में मर्डर हो रखा था। साथ ही जो भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, चाहे लूट की घटना हो, स्नैचिंग हो, तो वो मैं पिछले 5 साल का फिर से रिव्यू करवा रहा हूँ। और उसमें जो भी एक तो अनट्रेस मुकदमे हैं यानी कि जो नहीं हो पाए थे उन पर एक तो मेहनत करेंगे, उसमें CIA हमारी पुलिस और हमारे DSPs जो है वो मेहनत करेंगे। और साथ ही अगर किसी की बेल हो गई है तो उनको फिर से चेक करवाएंगे। अगर वो किसी भी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो फिर से सुनिश्चित करेंगे कि वो सलाखों के पीछे जाएं। तो ये तो क्राइम के फ्रंट पे है। नशा रोकने के लिए भी ऐसे जो गाँव हैं पहले तो जहाँ पे कि नशा नहीं है, तो लगभग ऐसे हमने 49 गाँव चिन्हित किए हैं। उसमें पुलिस के भी प्रयास रहे हैं, वहाँ के लोगों के भी प्रयास रहे हैं, तो उनको हम सम्मानित करेंगे। साथ ही जहाँ कोई अपराध नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो उस गांव के भी जो मौजूद लोग हैं, जो सम्मानजनक वहाँ के वो हैं, उनको बुला के हम सम्मानित करेंगे अपने स्तर पर। तो ये एक प्रयास है ऐसे लोगों को मोटिवेट करने का कि जो क्राइम रोकने में हमारे सहयोगी हैं। साथ ही 35 ऐसे गाँव हैं जहाँ हमको लगता है कि पुरानी अपराध का जो है वहाँ इतिहास रहा है या थोड़ा नशे का प्रचलन है, तो वहाँ हम युवाओं के साथ रोज कुछ खेल का, कुछ उनको ट्रेनिंग का, उनके कैरियर में हेल्प जिसमें हो सके, उनका भविष्य अच्छा बन सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो एक वो भी हमारा प्रयास है ताकि वो किसी भी गलत संगति में ना जाए। तो 35 गांवों पे भी जो है हमारा रिव्यू चल रहा है और उसका हर वीकली, हर 15 दिन में हम रिव्यू भी करते हैं कि उसमें जो है कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही हमारा जो सेटिस्फेक्शन रेट रहा है, जो लोग यहाँ आते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन है, उसका एक हमने फीडबैक सेल यहाँ पे बनाया है ताकि लोगों से फ़ोन पे पूछा जा सके कि उनको कोई परेशानी तो नहीं हुई। और जो भी इसमें असंतुष्ट होता है तो हम फॉलो अप करते हैं कि क्या कारण है। अगर कोई जेन्युइन कारण निकलता है तो उसमें जो भी पुलिस का मुलाजिम अगर किसी से गलत व्यवहार करता है या गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यही है कि जो हरियाणा पुलिस का हमारा मोटो है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग, तो पूरी पुलिस जो है और ज़्यादा सेवा की भावना से और संवेदनशीलता के साथ लोगों की सेवा इस वर्ष में करेगी
उसके हम और नए आयाम गढ़ेंगे ताकि लोगों का जो पुलिस की सेवाओं के प्रति संतुष्टि का जो परसेंटेज है उसको और बढ़ाना है इस वर्ष, साथ ही सब में सुरक्षा की भावना हो, तो उसमें तो क्राइम पे काम होगा और कोई भी अगर यहाँ पे गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अपराधियों को मैं यही बोलूँगा कि वो अपना ये जो जिला है उसको छोड़ के भाग जाए, और ना सिर्फ अपराधी बल्कि पुराने अपराधियों को भी हम जो है कुंडली को पूरा जांचेंगे, उनकी कुंडली को चेक करेंगे, और अगर कहीं भी उनसे गड़बड़ मिलती है तो फिर सुनिश्चित करेंगे कि अगर वो जेल से भी बाहर है तो वापस उनको सलाखे के पीछे भगाया जाए, सलाखों के पीछे वापस पहुंचे वो। तो जैसा मैंने बताया कि 30 साल के जो भी हीनियस क्राइम है, जो मर्डर है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, और पिछले 5 साल का फर्स्ट फेज में जो है जो भी डकैती के या ऐसी जो क्राइम्स थे उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये है कि अपराध मुक्त जो है उसकी तरफ हम लोगों की जो है हम उसमें मेहनत करेंगे, और तीसरा है सहयोग की, लोगों का भी सहयोग लेना, उनके सहयोगी बनना ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो मैंने बताया कि 35 गांव में हम लोग जाके कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है क्राइम को रोकने में या जहां पे नशा नहीं है, तो उन लोग उस गांव के भी जो भी मौजूद लोग हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे और उनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा सभी से यही आग्रह है कि पुलिस जो है, बोला जाता है कि पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, तो उसी मोटो के साथ जो है हम पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं और पब्लिक सेंट्रिक पुलिस बनाना है, और जो भी क्रिमिनल है उनके बिल्कुल विरुद्ध जो सख्त से सख्ततम कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। और जो पीओ घोषित हो चुके हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, किस तरह का प्रावधान? हाँ, वो भी हमारी इस वर्ष की बड़ी एक प्राथमिकता है, और मैंने हमारे जितने भी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं उन सबको एक एक दो दो एरिया दिए हैं कि आपको इस क्षेत्र में जो है काम करना है। तो जो पीओ है उनके खिलाफ सीआरपीसी की जो भी कार्रवाई होती है उनके वो सक्सेस की जाएगी, और उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी, उसकी कुर्की नीलामी जो भी संभव है वो करवाई जाएगी। ऐसी नशा तस्करों की जो गैंगस्टर हैं या उनके साथ जो किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो वो पूरी लिस्ट हमारी तैयार है, बस हम उसका लीगल प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, उनका कोई भी किसी प्रकार से सहयोग करता है चाहे आर्थिक रूप से है या कोई सूचना देता है, तो उनके खिलाफ भी सक्सेस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि हमेशा जीवन में बड़े सपने देखना चाहिए, और जो छोटे सपने देखते हैं वो देश के सबसे बड़े अपराधी हैं। तो हमेशा बड़ा सोचें, अपने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव, अपने जिले के लिए और अपने देश के लिए सर्वप्रथम, कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। सिर्फ ये ना सोचें कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, बल्कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। और झज्जर को वीरों की भूमि कहा जाता है, यहाँ से आर्मी में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में बहुत ही अच्छे, बहुत शूरवीर लोग रहे हैं, तो उनको हम अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं, उनको अपना आदर्श बनाएं, वो हमारे रोल मॉडल्स होना चाहिए, और हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनके जैसा बने। और फिर मैंने बोला कि हमेशा आप बड़े सपने देखिए, और कोई भी जो बात है दुनिया में, कोई भी कार्य या कोई भी लक्ष्य जो है वो असंभव नहीं है, बस आपके दृढ़ निश्चय पर यह निर्भर करता है कि आप कितना निश्चय, आपका दृढ़ है और कितनी आप मेहनत कर रहे हैं। और कोई भी गलत संगति है, कोई भी दुर्व्यसन है, कोई भी गलत चीज़ है, उससे हमेशा दूर रहें, चाहे वो नशा हो, चाहे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है, हमारे युवा गलती से उसमें फंस जाते हैं और उनका और उनके परिवार का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमेशा अच्छी संगति में रहें, बड़ा सोचें, और जो भी गलत लोग हैं उनसे दूर रहें।